आज एक्शन में दिख रहा है परिवहन विभाग। परिवहन विभाग के अफसरों को जिस तरीके से निर्देश मिले थे, नोएडा गाजियाबाद में अभियान चलाया जा रहा है। बिना परमिट वाली गाड़ियों पर कार्रवाई होती दिखाई दे रही है, लाइसेंस न होने पर भी एक्शन हो रहा है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों की अब खैर नहीं है। स्कूलों के बाहर खड़ी गाड़ियों की और बसों की चेकिंग हो रही है। बता दें कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हादसे के मामले पर जिस तरीके से कल ये हादसा हुआ था, लगातार न्यूज 18 ने सवाल खड़ा किया था और ऐसे में हमारी खबर का बड़ा असर हुआ। एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे के मामले में न्यूज 18 की खबर का संज्ञान लेते हुए शासन ने परिवहन विभाग के अफसरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों का चालान कराया जाएगा। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ है। दरअसल कल गाजियाबाद में बड़ा हादसा हुआ था कि परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे की वजह थी रॉन्ग साइड से आ रही बस। हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग टीम पर सवाल उठने लगे हैं और इसी कड़ी में न्यूज 18 की टीम ने कई जिलों में रियलिटी चेक किया। ट्रैफिक नियमों का किस तरीके से लोग पालन कर रहे हैं हमने ये देखा। इस दौरान कई जगह लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए दिखाई दिए तो कई लोग बिना किसी खौफ के रॉन्ग साइड से चलते नजर आए। हमारे संवाददाता शंकर आनंद ने उसी एक्सप्रेसवे पर ही रियलिटी चेक किया जहां पर कल हादसा हुआ था। आप भी देखिए रियलिटी चेक में हमारे संवाददाता शंकर आनंद को क्या दिखा। ए भाई जरा बच के चलो, ये मैं नहीं गाजियाबाद नोएडा पुलिस कह रही है और इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक भी कर रही है और गलत लोगों पर कार्रवाई भी कर रही है। दरअसल जो कार्रवाई हो रही है वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे किया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पे नोएडा पुलिस और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे गाजियाबाद पुलिस की टीम लगातार उन लोगों के खिलाफ कर रही है जो गलत तरीके से एक्सप्रेसवे पे यू टर्न लेते हैं या गलत रॉन्ग साइड में जाते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और खासतौर पर जिसके पास उचित जो डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है गाड़ी का या लाइसेंस नहीं होता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा ठीक हमारे बगल में जो बीच वाला लेन है, ये वही लेन है जहां पर कल गलत तरीके से एक बस जो है इस लेन में प्रवेश करती है और लगातार 6 किलोमीटर के फासले में गलत तरीके से चलती है। उसके बाद एक कार वालों से टक्कर होती है और कार सवार तकरीबन 6 लोगों की मौके पर मौत होती है। यहां पर देखा जा सकता है, सीसीटीवी कैमरे देखा जा सकता है कि सीसीटीवी से तमाम गाड़ियों को मॉनिटर किया जा रहा है और कंट्रोल रूम में बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो लगातार इस एक्सप्रेसवे पर नजर बनाए हैं। इसके साथ ही इस लेन के दूसरी साइड देखा जा सकता है, वहां भी जो गाजियाबाद पुलिस की जो टीम है, ट्रैफिक पुलिस है, वो यहां पर मुस्तैद है और तमाम लोगों पर, तमाम गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। देखिए दूसरी तरफ देखा जाए, ये बस जो है बस इस लेन में प्रवेश करने का प्रयास कर रही थी लेकिन उसे रोका गया और उसे टर्न कराया गया कि आप इस रास्ते में नहीं आ सकते हैं, आप दूसरे लेन से निकलें। तो इस तरह से आज कई गाड़ियों को रोका जा रहा है जिसके चलते भी लोग जो है आज काफी, एक कहा जा सकता है कि आज लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन ये सतर्कता बेहद जरूरी है, इसके लिए नोएडा पुलिस लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है। इसके साथ साथ जो गाजियाबाद की जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी लोगों को अलर्ट कर रही है और जो गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं या जिनके पास उचित डॉक्यूमेंट्स नहीं है गाड़ी चलाने का, उन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद। इधर आगरा में भी अनगिनत वाहन रॉन्ग साइड से फराटा भरते न्यूज 18 के कैमरे में कैद हो गए। रास्ते में अचानक रेलिंग से छलांग लगाकर एक शख्स सड़क पार कर रहा था जिससे सामने से आ रहा बाइक सवार घायल हो गया। वहीं जब रॉन्ग साइड चलने वालों को रोका गया तो एक से बढ़कर एक बहाने सुनाने लगे। वहीं मथुरा में भी न्यूज 18 की टीम ने रियलिटी चेक किया है। इस दौरान पुलिस की गाड़ी ही रॉन्ग साइड से आती दिखाई दी। साथ की जब लोगों से इस बारे में बातचीत की गई तो उनका कहना था कि डिवाइडर कट 2.5-3 किलोमीटर दूर होने की वजह से लोग रॉन्ग साइड का सहारा लेते हैं जिससे हादसे के शिकार हो जाते हैं। प्रदेश में लगातार हादसों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। इन हादसों में लोग अपनी जान तक के गंवा रहे हैं और उसकी वजह है कि लोग जो ट्रैफिक सेंसर उसका इस्तेमाल करते हुए नहीं आ रहे हैं।
पुलिस की टीम इसी रियलिटी चेक को कर रही है और आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ियों के साथ साथ तमाम जो वाहन है वो दिल्ली आगरा हाईवे पर रॉन्ग साइड आ रहे हैं। लगातार वाहनों की संख्या जो है रॉन्ग साइड आप देख सकते हैं। नहीं, रॉन्ग साइड कोई नहीं चल रहा है, चल भी रहा है तो वहाँ होमगार्ड लगाए वो वापस कर दे रहा है। ये कॉलोनीज हैं, इनका रूट है इधर जाने के लिए, क्योंकि आगे जो पास है वो लगभग 2.5-3 किलोमीटर आगे है। ये शॉर्ट रास्ता मिलता है अगर यहाँ पे थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए, क्योंकि बस स्टैंड भी यहीं पर है, गाड़ियाँ वगैरह यहीं पर खड़ी होती है। अगर यहाँ पे थोड़ा वाहनों की जो खड़े होने की व्यवस्था अगर वो सही हो जाए और ट्रैफिक थोड़ा सा यहाँ पर छूट मिल जाए तो काफ़ी व्यवस्थाएँ सही हो जाएंगी। तो आप लोगों का कहना है कि क्योंकि जो प्रशासन ने जो कट्स बंद कर रखे हैं, लोगों को जब जाने के लिए लंबा जो है सफर तय करना पड़ता है, 2.5-3 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, इसीलिए लोग रॉन्ग साइड चलते हैं और यही हादसों की वजह बनती है। नितिन गौतम, न्यूज 18 मथुरा। कल गाजियाबाद में हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी, हादसे की वजह थी रॉन्ग साइड। न्यूज 18 की टीम ने कानपुर हाईवे पर रियलिटी चेक किया, जगह जगह लोगों ने अपनी सुविधा को देखते हुए डिवाइडर को तोड़ दिया है। कुछ लोग तो गलत तरीके से डिवाइडर पार करते हुए भी दिखाई दिए। हम इस समय हैं कानपुर आगरा हाईवे पर, इटावा जिले में। यह हाईवे है, आगरा की ओर जाने वाला रास्ता है। इस रास्ते पर ऐसा देखा जा रहा है इस हाईवे पर कि दर्जनों स्थानों पर लोगों ने अवैध तरीके से हाईवे को काट दिया है, डिवाइडर को काट दिया है, जहां से छोटी बड़ी तमाम गाड़ियों का निकलने का सिलसिला लगातार चल रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि दर्जनों दफे हादसे हुए हैं जिसकी चक में आकर के ना केवल लोग काल के गाल में समाए हैं बल्कि तमाम लोग, ढेर सारे लोग घायल भी हुए हैं। जगह पर बड़े पैमाने पर वाहनों के गुजरने का सिलसिला चलता है, छोटी गाड़ियां भी यहां से निकलती हैं, बड़ी गाड़ियां भी यहां से निकलती हैं और कई दफ़े ऐसे इस जगह पर हादसे हुए हैं जिसकी जद में आकर के लोग काल के गाल में तो समाए हैं, घायल भी हुए हैं। जब यातायात नियम के प्रति राज्य सरकार और पुलिस कहीं ना कहीं सजग और सतर्क है और लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग डिवाइडर को जगह बेजगह काट करके मौत को दावत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन रजत सिंह के साथ दिनेश शाह के न्यूज 18 इटावा। चित्रकूट में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आए हैं चौराहों पर। जब न्यूज 18 की टीम ने रियलिटी चेक किया तो लोग हादसे को दावत देते हुए दिखाई दिए, जबकि चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दी। लगातार हो रहे सड़क हादसों के बाद भी लोग सीख लेने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो हाईवे हो या आम रास्ते हो, वहां पर लोग रॉन्ग साइड पर घुस करके सड़क हादसों को दावत दे रहे हैं। न्यूज 18 की टीम इसका रियलिटी चेक करने के लिए शहर के ट्रैफिक चौराहे पहुंची है, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि शहर का यह व्यस्तम इलाका है जहां पर लोग गलत रॉन्ग साइड से घुसते हैं और सड़क हादसों को दावत दे रहे हैं, जबकि आए दिन गलत रूट पर चलने की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। बावजूद इसके लोग सबक नहीं ले रहे हैं, यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए पुलिस ने कंट्रोल रूम भी बनाया है और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की है, बावजूद इसके लापरवाह बने हुए हैं और लोग रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहे हैं जिससे सड़क हादसों को दावत दे रहे हैं। ऐसे में चाहे 2-पहिया वाहन हो या 4-पहिया वाहन हो या एम्बुलेंस हो या ट्रक हो, सभी लोग मौका पाते ही शॉर्टकट के चक्कर में रॉन्ग साइड घुस जाते हैं जिसकी वजह से सड़क हादसे हो जाते हैं। लगातार हो रही मौतों के बाद भी लोग सीख नहीं ले रहे हैं। अखिलेश सोनकर, न्यूज 18 चित्रकूट। मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिन की शुरुआत होते ही एक भीषण हादसा होता है। एक ही परिवार के 6 लोगों की जिंदगी किस तरीके से कल चली जाती है, यह हमने सबने देखा। हादसे का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आता है तो पता चलता है कि ड्राइवर रॉन्ग साइड से आ रहा था, लेकिन जब न्यूज 18 ने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो पता चला कि हादसे की वजह सिर्फ एक मनबढ़ दुस्साहसी ड्राइवर की मनमानी ही नहीं थी, बल्कि ट्रैफिक पुलिस से लेकर हाईवे अथॉरिटी के कर्मचारियों की लापरवाही भी इसका एक बड़ा कारण थी। भीषण हादसे पर यह चौंकाने वाली रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं।
मेरठ एक्सप्रेसवे पर मौत का तांडव। किसकी चूक ने ले ली 6 जाने। स्पॉट से लेकर हाईवे कंट्रोल रूम तक न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे ने ट्रैफिक पुलिस से लेकर हाईवे पर ड्राइव करने वाले लोगों तक पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। एक बस ड्राइवर 8 किलोमीटर रॉन्ग साइड में बस चलाता रहा। जिस सड़क पर 100 से ऊपर की स्पीड पर ट्रैफिक चलता है, वहां एक मनबढ़ ड्राइवर मौत को दावत देता चल रहा था और ट्रैफिक पुलिस से लेकर हाईवे अथॉरिटी तक के तमाम कर्मचारी क्या गहरी नींद सो रहे थे। ड्राइवर की जानबूझकर की गई इस दुस्साहसी हरकत की वजह से एक झटके में हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। मेरठ से खाटू श्याम के दर्शनों के लिए निकले एक परिवार के 6 लोगों की जिंदगी किसी दूसरे की जिद और सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। आखिर इन 6 मौतों के पीछे किसकी लापरवाही है, इसी के पड़ताल में न्यूज 18 की टीम पहुंची उस जगह जहां से पूरे हाईवे की निगरानी होती है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर नजर रखी जाती है। कोई रैश ड्राइविंग करता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। कैसे होता है ये सब जरा समझते हैं। जब कभी भी आप नेशनल हाईवे पे चलते हैं तो कई तरह के सावधानियों का ध्यान रखना होता है। अगर आप लापरवाही करते हैं तो हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी के मौत का सबब भी बन सकता है। कुछ आज ऐसा ही मामला हुआ है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, और इस वक्त में मैं एक ऐसे कंट्रोल रूम में हूँ जहाँ से उन तमाम गाड़ियों पर नजर रखी जाती है। ये देखिए, एक मास्टर कंट्रोल रूम है जहाँ पर आप कई अलग अलग मॉनिटर पर यहाँ पे देखा जा सकता है कि उन तमाम गाड़ियों पर नजर रखी जाती है कि अगर कोई गलत लेन में चलता है या कोई लापरवाही बरतता है तो उन तमाम लेन पर बकायदा नजर रखी जा रही है। तमाम गाड़ियों पर देखा जा सकता है कि हजारों लाखों के तादाद में जिस तरह से गाड़ियां मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पे जिस तरह से चलती है वो यहां पे देखा जा सकता है। और कंट्रोल रूम की अगर बात करें तो कंट्रोल रूम में कई जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं बकायदा इन तमाम चीजों पे ध्यान रखते हैं। अलग अलग देखिए यहां पर कंट्रोल रूम बना हुआ है। आपने देखा कि हाईवे पर निगरानी का कितना कड़ा बंदोबस्त है। एक एक चीज पर नजर रखी जा रही है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम अपने हाईटेक उपकरणों से सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। तो ऐसे में सवाल ये कि आखिर जब सब कुछ आंखों के सामने हो रहा था तो क्यों 8 किलोमीटर तक एक ड्राइवर की मनमानी को नहीं रोक सका। हाईवे पर मौजूद पुलिस क्या पेट्रोलिंग कर रही थी। यहाँ पर एक अपील भी मैं करना चाहूंगा। ये देखिए, ये मेरठ एक्सप्रेसवे का ये लेन है। मैं अपने साथी से अपील करना चाहूंगा कि इस स्क्रीन को बड़ा करके दिखाएं, क्योंकि अगर इस स्क्रीन को अगर बड़ा करके दिखाते हैं तब यहाँ पे समझा जा सकता है कि यहाँ पे गलतियां लोग कहाँ करते हैं। देखिए, ये डिवाइडर है। ये डिवाइडर जो है जस्ट इसके आसपास में देखा जा सकता है कि ये जो दो लेन है, ये जो तीन लेन जो यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये जो लेन है इसमें बाइक अलाउ नहीं होता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर गलतियां कहाँ हो रही हैं लोगों से। ये देखिए सारे बाइक सवार वो इस लेन में चल रहे हैं जबकि काम। आगरा में भी अनगिनत वाहन रॉन्ग साइड से फराटा भरते न्यूज 18 के कैमरे में कैद हो गए। रास्ते में अचानक रेलिंग से छलांग लगाकर एक शख्स सड़क पार कर रहा था जिससे सामने से आ रहा बाइक सवार घायल हो गया। वहीं जब रॉन्ग साइड चलने वालों को रोका गया तो एक से बढ़कर एक बहाने सुनाने लगे। गाजियाबाद में रॉन्ग साइड चलने की वजह से एक परिवार के 6 लोगों की मौत हुई। ताजनगरी आगरा में भी दिल्ली हाईवे है, आगरा दिल्ली हाईवे, और देखिए किस तरह से रॉन्ग साइड में लोग चलते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, आप ये बताइएगा कि रॉन्ग साइड क्यों चल रहे हैं आप। सीएनजी डला के आया हूं। सीएनजी डला के तो रॉन्ग साइड चलेंगे, एक्सीडेंट हो गया तो कटनी है आगे कहीं, तो सिकंदरा पे कट तो है, गलत कर रहे हैं कि नहीं रॉन्ग साइड चल के। चलो सॉरी, आगे से नहीं करेंगे। तो यही हाल है कि रॉन्ग साइड चलते हैं और उसके बाद जब कोई टोकता है इन्हें सवारी बोलते हैं। ठीक आगे 100 मीटर पुलिस चौकी है और वहाँ तमाम ट्रैफिक के जवान रहते हैं लेकिन कोई भी इन्हें नहीं रोकता। यही वजह है कि गाजियाबाद जैसे हादसे पूरे देश में होते रहते हैं। आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया अभी? एकदम मंकी क्रॉस कर रहा था, एकदम गाड़ी के नीचे आ गया था। कौन क्रॉस, कोई रोड क्रॉस कर रहा था? हाँ, एकदम छलांग मारी थी डिवाइडर से एकदम। तो अभी अभी हुआ? हाँ, जस्ट अभी हुआ है। कहाँ चोट लगी आपकी? हाथ में लगी है। आप इसके मालिक हैं? हाँ। बैठे साथ में, रॉन्ग साइड क्यों चल रहे हैं?
भाई साहब मैंने आपको बताया नहीं वहाँ जाम हो जाता है। तो चौराहा तो बना है सिकंदरा ना? हाँ बना है, हम मना कब कर रहे हैं, पर वहाँ जाम की समस्या रहती है। चलेंगे हादसा हो जाएगा, स्कूल की बस है, बच्चे भी जाते रहते हैं। वो आपकी बात सही है, चलो ध्यान रखेंगे आगे। ये जो हाईवे है NH-19 ये मथुरा होते हुए दिल्ली तक जाता है, लेकिन 50,000 वाहन यहाँ दौड़ते हैं, इसमें तमाम संख्या उनकी होती है जो कि रॉन्ग साइड चलते हैं और आए दिन हादसे का शिकार होते हैं। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा।